मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये खूबसूरत कॉस्मस फ्लावर के साथ। पीले रंग का ये ऑरेंज कलर डार्क कलर में है, पीले रंग बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है फ्रेंड, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। गर्मियों में इसे अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ्लावर करता है फ्रेंड, बस थोड़ा इसमें मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड। इसके मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक ये है ये हाइब्रिड वाला है फ्रेंड, इस ये थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन बहुत अच्छा फूल देते हैं। 3-4 पेड़ लाई थी मैं, इसके सैपलिंग लाई थी फ्रेंड, तो अच्छे चल रहे हैं ये। अभी इसमें काफ़ी बर्ड आ रही है, आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर खिल के स्पेंड भी हो चुके हैं और इसमें भी अभी बर्ड आ रही है। और इसमें ये येलो कलर का है, किनारे किनारे ऑरेंज आ है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तितलियों को, मधुमक्खियों को, चिड़ियों को भी बड़ा अट्रैक्टिव करता है फ्रेंड। और आप अगर इसे अपने गार्डन में समर में लगाते हैं तो आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती है फ्रेंड। और ये समर का मैरीगोल्ड भी बोला जाता है फ्रेंड, और गर्मियों का तो बादशाह है ये, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है फ्रेंड। ये मेरा हाइब्रिड वाला है, इसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है फ्रेंड। और ये जो है मेरा ये देसी वाला है, इसकी हाइट अगर ज़मीन में लगाते हैं तो 4-5 फीट तक की चली जाती है फ्रेंड। और इसे अगर हम 10 इंच का पॉट देते हैं तो बहुत ही बड़ा होता है। अभी ये मेरा 1 फीट का ही हुआ है प्लांट, फिर भी बहुत सारी बर्ड आ रही हैं फ्रेंड, देखिए बहुत सारी फ्लावर स्पेंड भी हो चुके हैं। और इसमें देखिए इस तरह के सीड्स बनते हैं, ये जो हैं ये पक्के ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जीरे की तरह होते हैं लेकिन थोड़े बड़ा साइज़ में होता है फ्रेंड। इसका ऑरेंज कलर का फ्लावर बड़ा ही सुंदर लगता है और ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। मेरे पास इसके हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी हैं। ये मेरा देसी वाला है, ये देसी वाला तो इसका रफ एंड टफ होता है फ्रेंड, धूप हो चाहे बारिश हो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी पूरी गर्मी बरसात भर ये आपके गार्डन में चलता है। लेकिन जब ये देस हाइब्रिड वाला है, इसको ना तो ज़्यादा तेज़ धूप पसंद है और ना ही तो ज़्यादा बारिश का पानी, बारिश के पानी में ये ख़राब हो जाता है फ्रेंड, तो थोड़ा देखना भी पड़ता है। हाँ, इनमें थोड़ा कीट पतंगों का अटैक भी होता है, तो आप लोग समय समय पर इस पर फंगीसाइड स्प्रे ज़रूर करते रहें। और जब मैं इनकी मीडिया तैयार करती हूँ फ्रेंड, तो उसमें एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड और एक भाग कार्डन कंपोज ऐड करती हूँ फ्रेंड उसमें। और जो मेरे किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनके तैयार रहता है वो इसमें ऐड कर देती हूँ फ्रेंड। और इसकी मिट्टी हमेशा वेल्ड्रन बनानी चाहिए, जैसे हम और प्लांट की बनाते सेम वैसे ही बनाते हैं इसकी भी सॉइल फ्रेंड, तो बहुत अच्छा चलता है। और बस थोड़ा ज़्यादा तेज़ धूप हो तो जो ये हाइब्रिड वाला है इसे आप थोड़ा शेड में रख दीजिए, बारिश के वक्त थोड़ा ऐसी जगह रखिए कि कम पानी पड़े। और मिली बग का इसमें ज़्यादा अटैक होता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड। और जो ये देसी वाला है इसे इसमें भी सिर्फ मिली बग का ही अटैक देखी हूँ मैं, तो अभी और तो कोई अटैक नहीं हुआ तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। ये मेरे फ्लावर स्पेंड हो गए हैं, जो भी ऐसे फ्लावर हो जाए स्पेंड तो उसे आप कट कर देना फ्रेंड, मैं अभी इसको कर दूँगी। देखिए फ्रेंड, तो जब हम कोई भी स्पेंड फ्लावर को कट कर देते हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी जो है कि बर्ड को खिलाने में बनाता है, जैसे ये बर्ड है उनको खिलाने में नहीं, तो वो फिर सब अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में ही लगा देता है फ्रेंड। तो इसी तरह से आप लोग जो भी स्पेंड फ्लावर हो उन्हें कट कर देंगे तो काफ़ी मात्रा में ऐसे बर्ड आएंगी फ्रेंड। इसका सीड्स फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका टाइम निकल चुका है। अगर आपको ये अपने गार्डन में ऐड करना है फ्रेंड तो आप नर्सरी से इसका बना बनाया प्लांट भी ला सकते हैं, और ये कटिंग से भी बहुत इजीली लग सक
लगता है। ये जो मेरा देसी वाला है, इसे मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में कटिंग से ही ऐड करी थी और तब से ये बना ही रहता है, अपने आप उग जाता है। इनके सीड्स जहाँ भी गिर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप ही उग जाते हैं। और क्या कहते हैं कि ये सर्दियों में भी इसमें अच्छे फ्लावर आते हैं, ये सर्दी और गर्मी दोनों में चलता है। और जो ये ऑरेंज वाला है, ये तो सर्दियों में भी चलता है और ये गर्मियों में भी चलता है फ्रेंड। लेकिन इसमें एक और वैरायटी आती है जो कलरफुल में होती है, कई सारे कलर में होती है, वो पिंक, रेड, वाइट, येलो, इस तरह से जो आती है वो सिर्फ विंटर में ही चलती है फ्रेंड। तो आप वो वैरायटी ना लें, समर वाली लें। वैसे ये ऑरेंज वाली तो समर में बेस्ट होती है। और बस थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये अपने गार्डन में फूलों से भर देगा आपके गार्डन को, और फूलों की कमी नहीं होने देगा फ्रेंड। तो ये देसी और हाइब्रिड आप दोनों ही लगा सकते हैं। मुझे तो दोनों ही वैरायटी अच्छी लगती है, क्योंकि हाइब्रिड थोड़े दिन ही चलते हैं, लेकिन जो ये देसी वाले होते हैं ये ज़्यादा दिन चलते हैं और फूल भी इसका काफ़ी समय स्टे करता है फ्रेंड। इसको जब आप गमले में लगा दें तो उसको 15 दिन या 20 दिन के बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर देते रहिए। अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो हर प्लांट में फर्टिलाइज़र ज़रूरी है फ्रेंड, चाहे कोई भी प्लांट हो। जैसा हम उसको फर्टिलाइज़ करते हैं वो वैसा ही फूल और फल देता है फ्रेंड। बस छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत अच्छा हमारे गार्डन में चलता है फ्रेंड। तो आप भी अपने गार्डन में देसी और हाइब्रिड दोनों ही लगा सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नमस्ते।